वेलकम टू माय डियर पूरा ये वेलकम टू रोइंग। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी वाई फिस्टमिक चैनल। आज का वीडियो में आप दिखाऊंगा कि अरुणाचल के रोइंग से ऊपर तरफ जो माइडिया बोलते हैं वहाँ पे बर्फ होता है, उस बर्फ को देखने के लिए मेरा सर आज जुड़ रहा है राणा, जो झारखंड से आया यहीं पे आर्चरी टीचर है अभी, उसका साथ मिलकर उसको भी दिखाऊंगा कि अरुणाचल का इस साइड में देखने के लिए कितना खूबसूरत जगह है, और उसी को दिखाने का कोई इंतजाम कर रहा हूँ। लेट्स एंजॉय टुगेदर डे हाउ वी आर गोइंग टू फन ऑन देयर। और उसका साथ साथ आप देखोगे कि रोइंग टाउन का नज़ारा भी आपको दिखाने का इंतजाम करूँगा। ड्रॉइंग इसे धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेगा, यही मंजिल जो ऊपर तरफ आप वाइट वाइट देख रहे हैं उसी पे माइडिया है, उसी को बर्फ देखने के लिए जाऊंगा, और इसे धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते रहेगा। राणा देखा दे रहे आ रहा है कि नहीं राणा, इधर राइट साइड राइट साइड ड्रॉइंग है वहाँ पीछे रह गया, और यहाँ से हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। सब माइडिया ट्रिप कर रहे हैं, 500 का तेल बना ले रहा हूँ प्रीमियम, इसे धीरे धीरे हम लोग निकल गया। हाय बने रहा भाई, कितना ऑलमोस्ट टंकी फुल हो गया देख। एबॉट ऑफ स्नो उसी को देखने के लिए जाऊंगा, यही रोई टाउन है, और यह सब होटल मीमू बोलते हैं उसको, होटल मीमू यहीं पे आती कम प्राइस में बच्चे बैठ सकते हैं, और यही सबसे दामी वाला होटल है, सिंगल रूम 1800 का लेते हैं। और रोइंग टाउन का ये लॉर्ड टाउन बोलते हैं, मेरा वॉइस को भी ले लेते ये लॉर्ड टाउन बोलते हैं, और इस आसपास एरिया में मार्केट, ये पूर्णा मार्केट सेंटर है, और नीचे तरफ अभी जो टाउन बढ़ रहा है धीरे धीरे एक्सपांड होते जा रहे हैं क्योंकि टाइम का साथ चीज़ें बढ़ रही है। यहाँ पर भी एक होटल है, यहाँ होटल किया यहाँ पर भी आप बैठ सकते हैं, अच्छा है। और ये ऑटो देखा, ऑटो ऐसे लाइन बाय लाइन रहते हैं यहाँ, या ऑफिस वहाँ है प्रॉब्लम नहीं, और यही सिस्टम से धीरे धीरे हम भी आगे बढ़ते रहेगा। यहीं पे रे फेस्टिवल सेलिब्रेशन हुआ था, आज से फुटबॉल टूर्नामेंट हो रहा है, हम लोग का स्टूडेंट खेलेगा यहाँ पे, आर्मी फुटबॉल टूर्नामेंट करा रहे हैं बोल रहे हैं, हम लोग का स्टूडेंट खेलेगा यहाँ पे, मेरा लगा हुआ है। यहाँ का जो फुटबॉल मैच होता है बहुत डायनामिक एंड मोस्ट वाइब्रेंट होता है, उसका भी थोड़ा बहुत झलक आपको ऐड कर दूंगा। और ये दिमाग सिस्टम के खिलाड़ी जर्सी नंबर 13 अपने साथी के लिए, और ये लंबा पास करते हुए अपने साथी के लिए। यही रूट का साइड है, जिस रूट का क्रॉस करके हम लोग अभी मायोडिया तरफ जा रहे हैं, उसका बगल में जो मेन ग्राउंड है, यहाँ फुटबॉल टूर्नामेंट कैसे हो रहा है उसका झलक आपको दिखा दे रहा हूँ, उसका साथ धीरे धीरे यहाँ का नज़ारा को आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि यहाँ पे किस तरीके से वाइब्रेंट फुटबॉल मैच होता है, और उसका साथ साथ स्पोर्ट का जो इंटरेस्ट है किस तरीके से उसको भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इतना बढ़िया से लवली फुटबॉल टूर्नामेंट होता है, और इसे धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते रहे। मायोडिया यहाँ से 54 किलोमीटर ऊपर आप दिखाई दे रहे हैं बोट, और हम लोग अभी पूरा अपना जैकेट के साथ आ गया हूँ। अभी देवपानी पॉइंट है, ट्रैफिक रूल हो गए, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर लें, उसके साथ ये सबसे शाम का समय बिताने का बेस्ट टाइम है, यहीं पर हम टाइम बिताते हैं, समर में बहुत बढ़िया लगता है। आप देखते इसको बोलते हैं 6 किलो व्यू पॉइंट, और ये सबसे खूबसूरत है लवली एनवायरनमेंट यहीं पे, टीचर पार्टी जब पिकनिक करते हैं यहीं पर लोग करते हैं, कितना खूबसूरत नज़ारा है। और ऐसे ऐसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, माउंटेन का व्यू देख रहे हो ना, कितना खूबसूरत है। सब मायोडिया ट्रिप कर रहे हैं धीरे धीरे, यहाँ से जो नीचे तरफ देख रहे हैं ना कितना खूबसूरत नज़ारा है ना, यहाँ डेंजर है, थोड़ा बहुत गड़बड़ होने से गया, यही रूट से ऐसे ऐसे धीरे धीरे टर्न करके आ रहा है, वो नीचे था उससे अभी ये पहाड़ के ऊपर ही एक ही रूट के ऊपर ऐसे ऐसे
टांड के अगर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, धीरे बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ रास्ता इसे छोटा छोटा हो जाता है। राणा भी फोटो ले रहा है, घर वालों को दिखाने के लिए। वो दूर जो दिखाई दे रहा है वहाँ रास्ता है, मेन रास्ता इसे होकर आ रहा है धीरे धीरे हम लोग। ये देखो हम अयोध्या पहुँचने वाला है। यहाँ एक मंदिर है, नीचे तो अब इसको पाएंगे। वहां से हम लोग ऊपर ऐसे ऐसे आ रहे हैं और यहाँ से रोइंग टाउन को व्यू ऐसे रहता है। तो एक बार मायदिया से शाम को निकल गया था, तब लाइट का व्यू इतना खूबसूरत लगा, जस्ट लवली है ना, कितना खूबसूरत है यहाँ। और यहीं से यहीं पे थोड़ा बहुत हम लोग रुक रहे कि मायोदिया पहुँचने से पहले यहाँ एक व्यू पॉइंट है, जब रोइंग को देख सकते हैं यहाँ से, इतना बढ़िया है, इट्स लवली। अरुणाचल एरिया में आओगे तो आप माउंटेन का व्यू देख कर आपका दिल बहला सकते हो, इट्स लवली है, मतलब जस्ट ऑसम। और ये नज़ारा ऐसा है, और धीरे धीरे यही कार्प का रास्ता हो रहा है, और उसी कार्बिंग से नीचे जो रास्ता दिखाई दे रहा है वो है एक कार है। वैसे धीरे धीरे ऊपर तरफ वैसे आते मोबाइल निकल जाते हैं, ये सब पिघल गया है। देखो ऊपर रास्ता देखो ना, इधर देख सकते हैं अम्ब्रेला की तरह खड़ा होकर रखा है, टेम्पो भी इतना ऊपर खोल रहा है। ये देखो बाहर मेन जगह पहुंचा नहीं, बर्फ इस पर ज्यादा गिरा है। यही खूबसूरत है, जैसे शिमला मनाली जा रहा हूँ जैसा लग रहा है। एंजॉयमेंट का लुभ उठा सकते हो, इस तरह का बर्फ देख कर आदमी का दिल कैसे खुश हो जाता है उसको भी आप देख सकते हो, इतना बढ़िया है एंड जस्ट ऑसम एंड लवली सुंदर। अभी थोड़ा सर्दी लगेगा जैसा लग रहा है, इतना बढ़िया नजारा है, हर तरह आप मोड़ो बर्फ ही बर्फ दिखाई दोगे। ये ज्यादा और एक सप्ताह होने से ये सब गायब हो जाएगा, ऐसे तो निकलने से क्योंकि पूरा पिघल जाएगा ना सर, है कि नहीं? आज के ऊपर भी बर्फ, आज अपने या तो कल तो आदमी पूरा हो जाएगा, देखो ना क्या बढ़िया लग रहा है। एवरीवन आई एम प्लेइंग विद द स्नो, दूर तक बर्फ पहले नहीं होता था, इस बार बर्फ पूरा गिर रहा है, अपना एंजॉयमेंट कर रहा है। तो हम ऊपर बहुत जाएगा जब जनरली हर बार हम जाते हैं। Hello everyone!
एंजॉय 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 लवली हेलो एवरीवन बढ़िया सुंदर बर्फ ही बर्फ है वीडियो बना मजा करो बर्फ बर्फ वीडियो बना मजा करो बर्फ 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 हर जगह बर्फ पूरा पेव हो गया आगे जाना है पूरा ट्रैफिक जाम होकर बैठा हुआ है और जहाँ मेन पॉइंट पहुँचना है वहीं तक पहुँच नहीं पाएगा तो मज़ा नहीं आएगा इतना जाम है बारे बार ठीक है तो सिर्फ जाम होकर बैठा रहो का इतना जाम है बार मेन बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बहुत जाम है हम लोग बाइक को नीचे छोड़ दिया वॉक करके अंदर जा रहे हैं ट्रैफिक जाम है वाह आगे इससे होकर रुका है ये बर्फ है धीरे धीरे रहते भरते नज़ारा साइकिल से भी आया तो वाह बढ़िया है देखो टायर में इसे सिकल ही इसको क्या बोलते हैं सिकल ही बांधना पड़ता है तभी अपना गाड़ी घूमेगा देखो ये क्या बांध दिया इसको क्या बोलते हैं सिकल ही नहीं इसे बांधना पड़ता है इसी तभी पहाड़ में आपका बाइक अब तक गाड़ी चल पाएगा यही सिस्टम है। हाँ वेलकम टू मायोधिया एवरीवन एंजॉय देयर ऑन वे टू सी द स्नो बढ़िया बढ़िया सुंदर लवली वन टू थ्री वंस अगेन साथ में फेंको तो बढ़िया होगा दो तीन सुंदर लवली वही मजा इसी मजा करने के लिए तो इतना दूर आया है नहीं तो क्यों क्यों आएगा आराम से देखकर तो क्या करेगा इसी है नजारा यहाँ का यही सीनरी है और यही में रुक कर मजा कर रहे मायोधिया दिस इज द ब्यूटी एंड एवरीवन एंजॉय देयर क्रेजी वे हम जो खूबसूरत नजारा को देखने के लिए यहाँ दूर दूर से आ रहे यही ये मेडिसिनल प्लान ऊपर तरफ है आगे भी एक बार ऊपर तरफ गया था नीचे अभी ऊपर नहीं जाएगा यहाँ का जो अंदर साइड है वहाँ तक जाएगा हम लोग उसी को आपको दिखाऊंगा एंड एवरीवन टेक द पिक्चर्स ऑफ हियर कीप देयर मेमोरीज व्हाइल दे आर विजिट हियर टू सी द ब्यूटी ऑफ मायोधिया यही मायोधिया का मेन पॉइंट और उसका जो स्टार्टिंग मायोधिया पास वेलकम टू मायोधिया सब पोलिस स्टेशन के लिए लाइन में है धीरे धीरे हम लोग भी अंदर जाएगा राणा चलो वॉक करते हैं 1 किलोमीटर से वॉक करने से अच्छा बर्फ तुम्हें दिखाई दोगे यहाँ का बर्फ का जमा हुआ बर्फ ऐसे जमा होकर किसे लग रहा है दैट एंटायर माउंटेन वाइट नाउ जहाँ ग्रीन होता है यहाँ पे अभी ग्रीन वाइट दिखाई दे रहे गिर गया बच्चा यहाँ बहुत स्लिपरी हो जाता है गिरने का चांस काउंटेबल पीपल आर एबल टू कम दिस प्लेसेस और नीचे तरफ तो रह गया आदमी इतना ट्रैफिक जाम है ऊपर तरफ आ नहीं पा रहे एवरीवन मेकिंग द हिस्ट्री वीडियो बना रहे मजा कर रहे एंजॉय देयर टाइम ऑन गिरने का चांसेस तो है ही बहुत स्लिपरी है यहाँ से मेन आगे पॉइंट जहाँ बर्फ गिरा हुआ है उसी को आपको दिखाऊंगा जिसपे जेन्युइनली हम हमेशा जाकर बर्फ को दिखाई देते हैं यहाँ पे तो स्टार्टिंग पॉइंट है मायोधिया का स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़ेगा सब अपना अपना तरीके से खेल रहा है 1 2 3 फेंक दो गिर गया ओ नहीं गिरा सब मजा कर रहा है अपना हिसाब ऊपर अपना नाम भी लिखा है कोई कोई बढ़िया है उसी के तो मजा करना है दिस इज अबाउट एडवेंचर लाइफ का दर्द लाइफ का अलग अलग डिफिकल्टी को भूल जाकर यहाँ खड़ा होकर आदमी एंजॉय कर सकते हैं पोटो स्टेशन भी साथ में साइड चले गए दिस इज लवली टाइम पीपल आर स्पेंडिंग विद देयर फैमिली मेम्बर दिस इज द ब्यूटी ऑफ मायोधिया अबाउट ऑफ स्नोफॉल और आज बारिश नहीं हो रहा है इसीलिए स्नोफॉल तो नहीं मिलेगा लेकिन स्नो गिरते हुए यहाँ जो जमा हो चुका है उसी को आपको मिलेगा और यही खूबसूरती को दिखाने के लिए तो इतना दूर आया है और उसी मोमेंट को एंजॉय करने के लिए हर आदमी दूर दूर से आ रहा है सब अपना अपना हिसाब से खेल रहे हैं बहुत बढ़िया से यही बढ़िया सा फोटो लेकर बैठा हुआ है हर आदमी अपना अपना हिसाब से बस बहुत लोग जियो का तो नेटवर्क नहीं आ रहा है ऊपर तो से गिर गया बढ़िया
मजा कर रहे हैं अपना। लवली सुंदर पूरा मायदिया से पूरा बर्फ ही बर्फ, इस पर बहुत अच्छा खासा बर्फ हुआ है। नीचे तरफ ट्रैफिक जाम होकर आ नहीं पा रहे, वरना तो और आदमी आना था और उनका खेल कैसे होते उसको भी देखने को मिलते थे। उससे भी और एक टर्निंग में और ज्यादा बढ़िया बर्फ मिलेगा। और बर्फ कैसे जमा होकर रखा है उसी को दिखाऊंगा। पूरा गस्सी का ऊपर ऊपर बर्फ आप देख सकते हो। नीचे तरफ देखो ना कितना बर्फ है, पहाड़ का उपद्रव हमें और उसका ये तरफ नीचे बर्फ ऐसा है, पूरा बर्फ। देखो ना क्या खूबसूरत नजारा है। दिस इज कॉल्ड लवली एंड ब्यूटीफुल ऑसम। ये खूबसूरत नज़ारा इस साइड का है और आगे तरफ कैसा है उसको भी आप दिखाऊंगा। ये फोटो शूट करा रहे, क्या बढ़िया से खड़े होकर फोटो ले। एवरीवन टेक द पिक्चर्स, कीप द मेमोरीज। क्या बढ़िया है, दिस इज द इंटरेस्टिंग अबाउट दैट। जब आदमी आते हैं हिस्ट्री के जगह में, खूबसूरत जगह पे आकर अपने आपको मेमोरी को रखना चाहते हैं। ये तरफ देखते हैं कैसा है, पूरा बर्फ ऐसे जमा कर बैठा हुआ, बढ़िया सा ये बना रहे। ये खूबसूरत तू बहुत बढ़िया से बना रहे तू। बाल होना जरूरी है। स्नोमैन बना दे, थोड़ा आग भी लगा दो, आग भी लगा देते हैं, वापस आने तक आपका रेडी हो जाएगा। धीरे धीरे आ रहा है, जो लोग आ पाए यहाँ आकर फोटो सेशन कर रहे हैं। बहुत बढ़िया से फोटो सेशन गोइंग, फोटो सेशन इज गोइंग ऑन हियर। थोड़ा जोर से बर्फ आप फेंक दीजिए, बहुत बढ़िया लगेगा। नहीं नहीं ये वाला नहीं, ऐसा वाला गुता वाला नहीं, ये वाला करो तब आपको फोटो में फोटो ले रहा है, वीडियो ले रहा है, बहुत अच्छा से आएगा। एकदम बढ़िया, आपका फोटो अच्छा आ रहा होगा। लास्ट पॉइंट तक कितना बर्फ जमा होकर बैठा हुआ है, यही पे बहुत बढ़िया है। इट्स जस्ट लवली, क्या बढ़िया सा बर्फ जमा होकर बैठा हुआ है। और स्लीपरी है, थोड़ा बहुत पिचल चुका है, मतलब थोड़ा बहुत स्लीपरी होकर रखा है। बर्फ पूरा गिर गया यहाँ रोकने के बाद, नज़ारा देखो बर्फ ही बर्फ, यही बर्फ, यही माउंटेन, यही मायोदिया पास। समुंदर से 2566 मीटर हाई एंड फिर हिसाब से 1856 समथिंग एज्यूम कर रहे 1900 फीट हाइट में समुंदर लेवल से। यहाँ पे पूरा बर्फ ही बर्फ भरा हुआ है, क्या सुंदर एंड लवली एंड ऑसम, क्या खूबसूरत नज़ारा है। आप देख सकते हो बर्फ बर्फ, इसी को बोलते हैं मायोदिया, इसी को बोलते हैं स्नोफॉल का बर्फ इसे जमा होकर बैठा हुआ है। जब बारिश होते है तब तो स्नोफॉल होता है, उन बारिश के समय में यहाँ आकर ठंडा में हालत खराब हो जाना था। यही सीनेरियो आप देख सकते हो, कितना बर्फ जमा होकर बैठा हुआ है। अपना अपना घर वाले को सब फोन करके दिखा रहे, देखिए देखिए। अब बेटर तुम वीडियो भेज देना, घर वाले देख लेगा ना। क्या वीडियो कॉल पे, तुम इंदा घर वाले को बोल दो वीडियो देख लेना, यहाँ कितना बर्फ है वो देखा देगा। कितना बर्फ यहाँ पड़ा हुआ है, देखो घर को वीडियो कॉल दिखा रहे, यूट्यूब वीडियो में घर लिंक फॉरवर्ड कर देना, देख लेगा कितना बर्फ है घर में। ठंडा तो ठंडा सर, हाँ तो ठंडा है। और उससे और एक पॉइंट है, सबसे ज्यादा बर्फ एक्युमुलेट होता है और इसी से ये यहाँ पर क्या खूबसूरत नजारा है। इसी को बोलते हैं मायोदिया। जो आदमी शिमला मनाली जा नहीं सकता, वो यहाँ पे आकर इस बर्फ का लुभ उठा सकते हो। क्या बढ़िया है, झारखंड से आकर यहाँ फोटो सेशन कर रहा है। कितना खूबसूरत नज़ारा है, देखो ना क्या बढ़िया है ना, जस्ट वंडरफुल एंड लवली एंड ऑसम बोलते हैं उसको। क्या खूबसूरत नज़ारा है, देखो ना क्या बढ़िया माउंटेन का साचर। यहाँ से अभी धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, लास्ट पॉइंट है, जमा होकर बैठा हुआ देख सकते हो। वो लास्ट वाला पॉइंट पर देखते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा आपको दिखाऊंगा। यहाँ नीचे तरफ देखो कितना बर्फ जमा होकर बैठा हुआ है, देखो ना बर्फ ही बर्फ हर जगह, नीचे नीचे तक पूरा से पूरा बर्फ। यही खूबसूरत है मायोदिया का, और उसी को देखने के लिए दूर दूर से आदमी आते। देखो ना बर्फ, देखो क्या बढ़िया बर्फ है। हाँ यही को मायोदिया बोलते हैं, वेलकम टू मायोदिया। यहाँ से नीचे तरफ देखो कितना बर्फ जमा होकर, देखो 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 बर्फ है बर्फ, यही नजारा। दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, पहाड़ों का माउंटेन देखकर, मायोदिया का बर्फ देखकर, दिस इज मायोदिया, बर्फ का नगर है। लास्ट पॉइंट है, उसी को देखने के लिए हमेशा आते सिंस 2018। आई एम कमिंग एवरी ईयर सी द स्नोफॉल एंड क्यूमुलेट ऑफ स्नो, अबोर्ड ऑफ स्नो जिसको बोलते हैं मायोदिया का पास, उसी जगह को देखने के लिए हमेशा आते है।
इसी व्यू को लेने के लिए हमेशा हम क्रेजी होते हैं कि साल भर एक बार आऊं, साल में एक बार मायदिया नहीं आए तो रोइंग में बैठकर साल ही अधूरा है। और इसी को दिखाने के लिए आपको इंतजाम कर रहा हूं ताकि आप भी देख सके यहां बर्फ कैसे होता है और यहां स्नोफॉल का। अभी तो आज तो बारिश नहीं हो इसलिए स्नोफॉल आपको नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ आकर बर्फ का जो जमा हुआ देखकर ज्यादा एक्साइटमेंट बढ़ रहा है और उसी को आपको देखने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या खूबसूरत नजारा है, लुक एट दैट मायोडिया स्नोफॉल इन हियर। 2-3 ए पापस है, 4 ये 5 6 ये है पाओ, जूता अंदर फंस गया, निकल निकल निकल, ओ ओ हो हो, 2-3 क्लाइम कर, माउंट क्लाइंब ए, ये दिया स्टार्ट, 1-2 थोड़ा इधर, 1-2-3 और यहाँ का जर्नी राना कैसे लगा मायरी आकर? बहुत मजा आया, फर्स्ट टाइम तो बर्फ देख रहे हो ईसा ने ऐसे लेकर, और आज का ये बर्फ जो जमा होकर रखा है इज रियली लवली। और हर साल आते हैं और ऐसे फील होता है जब मायरिया नहीं आया तो रोइंग में रहने का एक साल का कुछ अधूरे फल हो गया, और उसी खूबसूरत को आपको दिखा कर ये खूबसूरत को कभी छोड़कर जाने का मन नहीं करता, लेकिन उपाय नहीं, जाना तो पड़ेगा। ले 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 स्नोमैन बना ले, का खूबसूरत देखो कितना बढ़िया है। इसी खूबसूरत फल को हमेशा जीना चाहता हूँ कि हमेशा इस तरीके से जगह में आकर जिंदगी का जो खूबसूरत है उसको देखना चाहता हूँ, और उसी को दिखाने के लिए आपको इंतजाम कर रहा हूँ कितना बढ़िया है कितना खूबसूरत है। एंड इस तरीके से माउंटेन जो ग्रीन कवर को बेटा उसको अभी व्हाइट से भर गया, और जिंदगी में हमेशा इस तरीके से व्हाइट रहेगा तो जिंदगी में पीस एंड प्रॉस्पेरिटी आएगा। और व्हाइट इज अ सिम्बलाइज ऑफ हैप्पीनेस, व्हाइट इज अ सिम्बलाइज ऑफ पीस एंड पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। उसी को आप नज़ारा यहाँ देख सकते हो, कितना शांत है, कितना खूबसूरत है, कितना ब्यूटीफुल है, उसी का नज़ारा आपको दिखाने के लिए इंतजाम कर रहा हूँ। मायोडिया का ये लास्ट साइड में आने से आपको पता चलेगा, मतलब मायोडिया का माउंटेन का ये लास्ट साइड है। इसे धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते में से वापस जाना पड़ेगा। दैट्स द रियलिटी ऑफ लाइफ, वेयर अप फ्रॉम यूर स्टार्टेड दैट प्लेस यू हैव टू गो बैक, एंड लाइफ का वही मीनिंग है। और इसी खूबसूरत को देखकर अपने लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर लाइफ का एक मीनिंगफुल बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि वेयर यू कैन सी दैट ब्यूटीनेस इज देयर इन अ सोसाइटी एंड ब्यूटीनेस देयर इन अ लाइफ, एंड उसी में से आगे धीरे धीरे बढ़ते रहते। इस पीसफुल प्लेस से धीरे धीरे हम लोग निकल जा रहे हैं, ताकि आपको भी दिखा सकूँ मायोरिया का ब्यूटी कितना खूबसूरत है। Look at the beauty of mountain, beauty of Mayodhya. The entire mountain greenery turned out as a white. और पूरा का तरफ देख सकते हो कितना बड़ा भैसे भरा हुआ है, विच इज लवली एंड वंडरफुल राइट। पूरा रास्ता के बीच में बर्फ आ गया, क्योंकि पूरा ऊपर से बर्फ गिर जाते हैं उसको क्लीनिंग कर रहे हैं, ताकि यहाँ का जो ट्रांसपोर्टेशन आनी नहीं होली जाने वाला रास्ता बर्फ गिर ना जाए, और रास्ता क्लीन होने से अपना डेस्टिनी पे जा सके। इसे क्लीन करता है, यहाँ पे क्लीन करने का तरीका पूरा ऐसे बर्फ से ढका हुआ जो एरिया है उसको इस मशीन से जेसीबी जैसा ही है यहाँ से साफ कर देते हैं। आप देख सकते हो यहीं में से रास्ता क्लीन करने का प्रोसेस, और इसे इसे साफ करते हुए जाते नज़ारा देखो। जो लोग आ रहे हैं अपना मनपसंद का फोटो ले रहे हैं, ताकि फैमिली को दुनिया को दिखा सके हाउ द प्लेस इज़ ब्यूटिफुल एंड हाउ प्लेस इज एंटरटेनिंग फॉर एवरी वन। खूबसूरत नज़ारा यही है माउंटेन, यही है मायोडिया। यहाँ बर्फ के साथ खेल रहे, एक गाना याद में आया, पहाड़ों रे धुनिया सुवाली जोनी, पहाड़ों रे धुनिया सुवाली जोनी, ओ गोदा पानी मोय जदी तयो लक्ष्मी, गोदा पानी मोय जदी तयो लक्ष्मी, पहाड़ों रे धुनिया सुवाली जानी। अपना इंस्ट्रूमेंट का सर आ रहा है ब्लॉगिंग बना के, सब अपना एरिया पसंदीदा जगह दुनिया को दिखाने के लिए यही का दिल का अरमान है।
आदमी मायोरिया में रुक नहीं रहे, आने नहीं पहुंचेगा बोल रहे, दे आर राइडर एंड विश देम सेफ जर्नी, अपना मंजिल में पहुंचो। और आई एम रियली हैप्पी सी द सम ऑफ द पीपल असम से, मोरानो पर ही से, मतलब असमी बात का मोरान से आ रहा है यहाँ का ब्यूटी को देखने के लिए, स्पेशली दैट इस तरीके से खूबसूरत देखकर दुनिया को दिखाना सकते हैं कि ये दिस काइंड ऑफ ब्यूटीफुल सीनरी सीन दे ट्राई टू एक्सप्रेस देअर हैप्पीनेस टू द पीपल, हाउ देयर लव टू एन्जॉय देयर लाइफ and the white is a what is a symbol of peace and try to showcase and is peace ko apna life mein lekar duniya ko bhi dikha sake taki how they like to enjoy and how they try to give share the happiness with the other. So stay tuned everyone and like really happy to see that stage se jagah pe aana chahiye aadmi yahan khoobsurat ko dekhna chahiye, right? So together we can say that welcome to Mayodhya. Itna upar tak hum log aage aur yahan pe aur yahan se niche aap dekh sakte ho wo site mein jo hai वो नीचे तक जो रास्ता है उस रास्ता सबसे धीरे धीरे कर रोइंग हम लोग चला जाएगा। कितना कर्व कर्व होकर पहाड़ को काट कट कर रास्ता बनाया, आप यहाँ देख सकते हो ऐसे नज़ारा है। यहीं से हम धीरे 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 हम आगे बढ़ते रहेगा। जो वो नीचे तरफ देख रहे हो इतना जाम है और वहाँ से आदमी ऊपर उठ नहीं पा रहे और यहाँ हम लोग ऊपर आ गए और इसी तरह से मायोध्या सामने, मतलब मेन सेंटर मायोध्या का सेंटर सामने, और ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं। यही ट्रैफिक जाम है, बाइक का जगह पहुंच गया था, बाइक तो ठीक है। यहाँ से अभी बाइक को प्रोग्राम चला गया था, ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर पैदल मारा बर्फ़ को दिखाने के लिए, और इसी में से सब अभी भी आदमी आ रहे देख सकते हो। धीरे धीरे हम भी निकल जाएगा बाइक के साथ। नीचे पे भी बर्फ़ अच्छा हुआ से घिरा हुआ है, यहाँ देख सकते हो सीनरी। जो लोग ऊपर जा नहीं पा रहे अभी यहीं पर खेल रहे हैं, और यहाँ नज़ारा लंबा चौड़ा ट्रैफिक जाम, यहीं पे ऑलमोस्ट 1 घंटा कोई कोई फंसा हुआ है। हम तो अभी 15 मिनट हो रहा है फंसना, हम दो घंटा हो गया फंसना। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। भीड़ देखो, जाम देखो, जगह नहीं है जाने के लिए। हम देख सकते हो यहाँ का सीनरी कैसा है, पूरा का पूरा कैसा है, आदमी यहाँ भरा हुआ है। हम लोगों को आना का भूख लगा हुआ है, आदमी जाम में फंसा हुआ है, उपाय नहीं हो रहा है, कैसे जाएगा हमको खुद को पता नहीं हो रहा है। साइट और स्टार्टिंग साइट आने से ये फर्स्ट साइड होगा और मायोध्या से निकलने से लास्ट साइड है, और इसी साइड में बर्फ़ जमा हुआ है और यहीं पे ट्रैफिक जाम होकर बैठा हुआ है। दूर दूर से आदमी आ रहा है, गोलाघाट से आदमी आ रहा है, बार बार, और ऐसे हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेगा। ऐसे धीरे 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 आगे बढ़ते रहेगा, जर्नी कर रहे हैं जैसे राइडर मायोध्या के साथ साथ, मायोध्या के साथ साथ जाएगा अनिनी, और उसी तरफ से धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। राइडर भी अपना अपना मन बढ़ रहा है, ऐसे धीरे धीरे हम भी जा रहे हैं, धीरे 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 आगे बढ़ते रहते हैं। इतना खूबसूरत फिनिशिंग साइड वाला यहाँ है, खूबसूरत नज़ारा है, नज़ारा आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ से। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। वो एक चीज़ याद आ गया, जब रे फेस्टिवल में वीडियो बना रहा था रोइंग में, तब राजकुमार लोहार ब्लॉग्स बोल कर एक आदमी को मिला था, उसका वीडियो में रे का ऊपर एक वीडियो दिखाया। मैंने रियली सी दैट सम ऑफ द इंटरेस्टिंग फुटेज वर देयर, स्पेशली एक फुटेज के लिए बहुत मैं ढूंढ रहा था, जो CM को वाला हक करते समय एक दूसरे का हाथ पकड़ जो डांस करते हैं ना, वो उसका वीडियो में देखा था। सो इन दैट वे आई लाइक टू रिकमेंड दोस वर विश टू सी द सम मोर वीडियो रिलेट टू द रे फेस्टिवल, अब उसका राजकुमार लोहार ब्लॉग उसको हम अभी जो दे रहा हूँ उसका नाम यहाँ पे, उसको चेकआउट कर सके, उसको कुछ कुछ फुटेज मिलोगे ना। अच्छा वीडियो ये आदमी भी लगातार बना रहे, अगर आप इंटरेस्टिंग सकते हो तो उसका वीडियो में चेकआउट करके उसका भी वहाँ पे भी कुछ ना कुछ आप कमेंट लिख दे सकते हो। और यहीं से हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे अपना रूम की तरफ।
You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever come?